ये हमारे पास ये एक टिन पैक है और इस पे आप ये देखिए कि हमारे पास वो बबल्स भी हैं वाटर के, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि इसको सबसे पहले सिलेक्ट मेन्यू में जाकर ये देखिए सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें। जब आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आपने उसको सेपरेटली जो है वो कट इट कर लिया, ठीक है जी। इसकी आप एक और डुप्लीकेट लीजिए लीजिए और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर जो है वो एड ऑन कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो वाइट के ऊपर भी रख सकते हैं, ये जिस सिर्फ उसको प्रोमिनेंट करने के लिए और उसकी प्रेजेंटेशन को लुक्स गुड करने के लिए आपको इसको ऐड करना है। याद रहे कि मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि आपकी चीज़ें एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर जब तक उसको प्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं मिलेगी तो आपकी चीज़ें डेड हो सकती हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये आपने एक लेबल जो है वो यहाँ पर टेकअप कर लिया। लुक एट दिस, कि आपने इस टेबल को आप जिसको टेकअप करेंगे तो चूंकि ये वर्टिकल है हम इसको वर्टिकल क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए आप इसकी ओपेसिटी को यहाँ से स्लाइटली कम करके देख सकते हैं कि आपने इसको प्लेस आउट कहाँ पर कितना करना है। ओके, उसके बाद इसको फुल रेजोल्यूशन यानी कि फुल ओपेसिटी में ले जाएं और ऑल्ट की प्रेस करके दोनों लेयर्स के दरमियान जाकर आप क्लिक करें तो देखें वो इनसाइड जो है वो मूव इन हो गया। लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे शेप में आपने सिर्फ लोगो जो है वो अमेंड कर दिया है, ऐड कर दिया। बॉटम वाली लेयर जो आपने एक डुप्लीकेट ली थी, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर लेकर आए। ब्लेंडिंग मोड्स में जाकर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लाइनर बर्न भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इफेक्ट अच्छा है। यहाँ हो सकता है कि आप कहीं और किसी और लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइटिंग स्क्रीन डॉज ओवरले ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर हो सकें, क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज करना होगा कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड जो है वो बेहतर इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद स्लाइटली आपने ओपेसिटी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा डाउन कीजिए यानी कि कम कर लीजिए और राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर आपने ये देखें ब्लेंडिंग ऑप्शंस में बॉटम पे देखें अंडरलाइन लेयर्स ऑल्ट की प्रेस करके, क्योंकि अगर आप ऑल्ट की प्रेस नहीं करेंगे तो ये कंप्लीट यहाँ से जो है वो डाउन होगा। वो देखें इसका इम्पैक्ट ठीक नहीं आ रहा, आप ऑल्ट की प्रेस करके उसको जो है वो आप टेकअप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें कि आप यहाँ पर नोट करेंगे कि कितना रियलिस्टिक व्यू जो है वो आपके सामने जो है वो क्रिएट हो रहा है। लुक एट दिस, ये देखें बबल्स उसके ऊपर जो है वो ठीक तरीके से जो है वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं। और अगर आप चाहें तो उस सब्जेक्ट को भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि जो लोगो आपने लिया था तो ये मज़ीद रियलिस्टिक जो है वो आपके सामने हो गया, जैसे ये नेचुरली शूट किया गया हो। उसकी भी ओपेसिटी एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप कम या ज़्यादा या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट वो आप यहाँ से टेकअप कर सकते हो। देखें हमने कितनी आसानी से जो है वो लेबल उसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर दिया। इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस होंगी वो आप इसी प्रोसेस के ज़रिए किसी भी लेबल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लोगों के साथ जो है वो आप प्लेस आउट कर सकते हैं। देन आप कंट्रोल लेवल्स पे जाएं और आप उसको कितना हार्ड रखना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना लाइट रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके लेबल्स या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। बहुत आसान है, इसको अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डिफरेंट टूल्स डिफरेंट स्ट्रेटजी के ऊपर जाएं ताकि आपको एग्जीक्यूशन जो है वो उसकी आसानी से रहे। अच्छा, अब यहीं पर देखें कि मैंने इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे करेंगे, जितनी लेयर्स सेलेक्ट की होंगी वो सब डुप्लीकेट, कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया, कंट्रोल ई से क्या होगा वो मर्ज हो जाएगा। अब इसके बाद आप कैमरा रॉ फिल्टर में आइए, मेरी आने वाली वीडियो कैमरा रॉ फिल्टर के ऊपर भी बड़ी स्ट्रांग होगी, वो भी देखिएगा। अभी देखिए कि कैमरा रॉ फिल्टर में ये क्लैरिटी को थोड़ा सा आप इन्हेंस करें, देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो डिफरेंट इम्पैक्ट हो, थोड़ा सा इन्हेंस करें, वाइब्रेंस पे जाएं और थोड़ी सी उसकी सेटिंग कीजिए। आप -1 -2 के ऊपर भी उसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। टेक्सचर ऐड करना चाहें, सेटिंग करना चाहें वो भी ले सकते हैं। एक्सपोयर ऐड करना चाहें, देखिए उसको ब्राइट करने के लिए, कंट्रास्ट, ठीक है, इसको सेटिंग करें, ओके कर लीजिए। जब आप इसको ओके कर लेंगे देखें मज़ीद उसकी रियलिस्टिक जो है वो व्यू जो है वो आपके सामने है। एडिशनली अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इट्स इनफ। फिल्टर मेन्यू में ही हमारे पास शार्पन में अनशार्प मास्क, तो ये अनशार्प मास्क जो है ये मज़ीद इसको जो है वो
ये देखें क्लैरिटी वाइज जो है वो टेकअप करेगा। अगर आप इसको थ्रेशर होल्ड डेड कर दें तो देखें आप इसको मज़ीद देखें वो बबल्स उसके जो हैं वो वाटर बबल्स जो हैं वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएंगे। लुक एट दिस, ये प्रीवियस एंड देन दिस। तो इस तरह से ये देखिए आपके सामने एक रियलिस्टिक व्यू जो है वो आपके सामने क्लैरिफाई हो। लुक एट दिस कि मैं इसको F प्रेस करता हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर। लुक एट दिस, ये आप इसको क्लैरिटी में क्रिएट कर सकते हैं। देन F प्रेस करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसको एक्सरसाइज कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।